हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको छठ व्रत पूजा विधि, छठ व्रत अनुष्ठान विधि, छठ पूजा की पौराणिक कथाएं और छठ पूजा की महिमा का श्रवण कराने जा रही हूं। अगर आप छठी माँ को मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवंबर 2024 को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ रहेगा। छठ पर्व के चार दिनों के महोत्सव में व्रत रखकर षष्ठी देवी यानी छठ माँ और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग, गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी माँ की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी माँ के नाम से जानते हैं। आप श्रवण करते हैं छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी माँ को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। माँ का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के चार दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खाना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है, साथ ही निःसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। अब जानेंगे छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में सात प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्य आदित्य, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देही देही स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। छठ पूजा की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
छठ पूजा की चार कथाएं प्रचलित हैं। चलिए एक एक कर चारों कथाओं का श्रवण करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा एक। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मावर्त पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा अनुसार मनु स्वयंभूव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब महारानी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। छठ पूजा की पौराणिक कथा दो। एक पौराणिक लोकथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा की पौराणिक कथा तीन। पौराणिक शास्त्रों में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। छठ पूजा की पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। अब श्रवण करेंगे छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। ओम सूर्य देवता नमः। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।